अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज़ अनीबा खान एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल अनीबा स्पीकिंग। आज का जो ये मेरा व्लॉग है बड़ा ही मेरे दिल के अजीज़ है, क्योंकि आज मुझे एक इवेंट पे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर इनवाइट किया गया है। मुझे बोलना बहुत पसंद है और जैसा कि मेरे चैनल का नाम भी है अनीबा स्पीकिंग, तो लोग कहते हैं कि मैं अच्छा बोलती हूँ और अब मुझे ये एज़ाज़ मिला है कि मैं इतने सारे लोगों को गाइड करूँगी, मोटिवेशनल स्पीच दूँगी, तो ये मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। तो आज मैं इस व्लॉग के ज़रिए कोशिश करूँगी कि उस इवेंट को जितना मैं कवर कर सकूँ उतना कवर करूँ, और अपनी वीडियो भी बनवा लूँगी मैं थोड़ी सी, कि भाई मेरी वीडियो भी बना दो ताकि मैं अपने व्लॉग पे अपलोड कर सकूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहले तो मैं जा रही हूँ नए कपड़े लेने, क्योंकि मैं पुराने कपड़े पहन के नहीं जा रही, बिकॉज दिस इज़ अ बिग डे फॉर मी, दिस इज़ अ मेमोरेबल डे फॉर मी। तो मैं आई वॉन्ट टू मेक मोस्ट आउट ऑफ इट, और इसलिए मैं नए कपड़े लेने जा रही हूँ, नए कपड़े पहनूंगी और देन जाती हूँ। सो बिफोर द इवेंट मैं यहाँ पे आई हूँ मॉल अपने लिए कपड़े लेने, और मैंने 3-4 ड्रेसेस ले लिए, और ताकि मैं बदल बदल के देख सकूँ कि जिसमें मैं बेहतर लगूँ मैं वही पहन लूँ। यहाँ से मैंने अपने लिए कैमरा स्टैंड भी लिया था ताकि मैं अपनी स्पीच को रिकॉर्ड कर सकूँ, स्टैंड पे लगा दूँ अपना मोबाइल और मेरी स्पीच रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन वो इतना यूज़ में नहीं आया। वो क्यों आपको वीडियो में आगे चल के पता चलेगा। ब्लैक इज़ माई कम्फर्ट कलर, इसलिए मैंने 2 ब्लैक फ्रॉक्स ले ली, जिसमें से एक ब्लैक फ्रॉक मैंने पहनी है और मैं फ्रॉक्स में काफ़ी कम्फर्टेबल भी रहती हूँ। सो मैंने पहना है ये ब्लैक ड्रेस और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ अपने लुक से, और अब मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। 5 बजे का शो है और इस वक्त बज रहे हैं 4। जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा दूर है तो 45 मिनट्स तो लगेंगे ही, तो हम अभी निकल रहे हैं, 4 बजे हम जाने के लिए निकल रहे हैं। जो दूसरे आर्टिस्ट थे वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ था अभी तक, पब्लिक नहीं आई थी, और मैं तब तक यहाँ वहाँ की वीडियोस बना रही थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव और एंथुजियास्टिक थी, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजर्स को मैं बहुत ज़्यादा पसंद आई, और उन्होंने एक ऐसा काम किया जो मेरे लिए थोड़ा डरावना भी था लेकिन अच्छा भी था। मुझे परफॉर्म करना था नंबर 7 पे, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ने अचानक स्टेज पे जाके अनाउंस कर दिया कि हम अपने इवेंट का स्टार्ट एक ऐसे इंसान से करना चाहते हैं जो आज के दिन सबसे ज़्यादा एक्टिव है, और उन्होंने मेरा नाम ले लिया। अब चूंकि मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी इस बात के लिए, और मुझे किसी ने बताया नहीं था कि मुझे नंबर 1 पर परफॉर्म करना है, और ये अचानक था मेरे लिए, इसीलिए मैं कैमरा स्टैंड अपना लगा नहीं पाई, और मैंने जल्दी से किसी के हाथ में दिया कि भाई जल्दी से मेरी वीडियो बना दो, जितनी भी बन जाए जैसी भी बन जाए। इट वॉज़ अनएक्सपेक्टेड, पर मुझे खुशी हुई कि उन्होंने मुझे इतना समझा। जिसे मैंने अपनी स्पीच रिकॉर्ड करने को कहा था उसने पूरी स्पीच तो नहीं रिकॉर्ड की, लेकिन कुछ क्लिप्स जरूर रिकॉर्ड किए जो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, आप भी सुनिए। मार्च नहीं का डर, इस सोसाइटी का डर जो हम सबके दिल में बसा हुआ है, ये कैसा डर है? ये ऐसा डर है कि अगर मैं एक शेर को हंटर से मारूं और उसे बोलूं कि जैसे हम एक सर्कस के शेर को ट्रेन करते हैं, उसे स्टिक से या हंटर से डराकर हम स्टंट्स करने के लिए अग्री कर लेते हैं, वो भूल जाता है कि वो रोल कर सकता है, वो भूल जाता है कि वो अटैक कर सकता है। वो जो करता है वो सिर्फ वही करता है जो उसका मास्टर उसे डरा के उससे करवा सकता है, और शेर अपने अंदर की कैपेबिलिटीज भूल जाता है। हम भी एज अ ह्यूमन एक सोशल एनिमल ही तो है, हमारे अंदर भी वो खौफ खतर है, हमारे अंदर भी वो डर है। इस सोसाइटी का लोग क्या सोचेंगे? सोसाइटी ने ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर दिए, हम लोगों ने मान लिया, वी आर फैट सो वी आर नॉट ब्यूटिफुल, हमारा कलर डार्क है, और ये सोसाइटी कौन है? आप हैं, मैं हूं, आप मुझसे डर रहे हैं एज अ सोसाइटी के मैं क्या सोचूंगी, मैं आपसे डर रही हूँ एज अ सोसाइटी कि आप क्या सोचोगे, हम सब एक दूसरे से डर रहे हैं। मैं ब्राइट कलर्स पहनने से डर रही हूँ कि मैं कूल नहीं लगूंगी, मैं इंटरकास्ट मैरिज करने से डर रही हूँ कि मैं सोसाइटी में फिट इन नहीं करूंगी। मेरे साथ सब कुछ वो चीजें हो रही हैं जो मैं सोसाइटी से डर के कर रही हूँ, पर मैं किससे डर रही हूँ? आपसे। हमारे यहाँ एक चीज कहलाती है जनरेशन गैप, जो पहले जनरेशन में होता था वो इस जनरेशन में नहीं होता, जो इस जनरेशन में होता है वो आगे जनरेशन में नहीं होता। ये कैसे हो पाया? ये ऐसे हो पाया कि हम लोगों ने डिफरेंस लेकर आया, हम में से किसी एक शख्स ने सोसाइटी का डर अपने अंदर मार दिया कि तुम जो सोच रहे हो वो सोच लो, मुझे जो करना है मैं वो करके रहूं।
होगा, किसी एक शख्स ने ये डर अपने अंदर से खत्म किया और वहां से वो जनरेशन गैप बनना शुरू हुआ। कल के लोग जिस बात से डरते थे आज के लोग इस बात से नहीं डरते, और आज के वो लोग जिस बात से डरते हैं कल के लोग उस बात से नहीं डरेंगे। ये डिफरेंस हमारे बीच में से ही लोग लेकर निकले कि नहीं, हमें ये डर नहीं निकालना अपने दिल से। तो ये सोसाइटी हम लोगों से ही बनी है। जिस दिन हम लोगों ने अपने अंदर से डर निकाल दिया, एज अ आर्टिस्ट हम सब, आपका ये प्रोफेशन अच्छा नहीं है, आप ये प्रोफेशन जो चूज कर रहे हो ये इसका कोई स्कोप नहीं है, हमें सोसाइटी का डर होता है। हम अपने बहुत सारे लोग आर्टिस्ट ऐसे हैं जो अपना प्रोफेशन छोड़ देते हैं ये सोचकर कि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे। अगर आज हमने अपने दिल से इस डर को खत्म कर दिया, इस सोसाइटी के डर को खत्म कर दिया, तो आई एम वेरी श्योर दैट वी कैन मेक अ डिफरेंस, अगर किसी और की लाइफ में नहीं तो एटलीस्ट अपनी लाइफ में। और मैं अपनी इस बयान का, इस स्पीच का एंड कुछ गा के करना चाहती हूँ। काली घनेरी रात में चांदनी खिल जाएगी, तुझे अंधेरों में कहीं रोशनी मिल जाएगी। रहता नहीं सारी उम्र साथ ये गर्दिश का सफर, देती है मंजिल का पता कांटों भरी मुश्किल डगर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। यहाँ मेरी बाकी परफॉर्मर्स के साथ काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप बन गई, जिसकी वजह से मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो गया है। जब तक मैंने ये व्लॉग अपलोड किया है तब तक तो मेरी दो स्पीचेस और हो भी चुकी हैं, लेकिन सबसे पहली जो स्पीच थी उसे अपलोड करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसे आज अपने व्लॉग में ऐड करा है। और मुझे इतनी खुशी है कि मेरे ऑर्गेनाइज़र्स को मैं इतना पसंद आई हूँ। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स का कहना यह है कि उन्होंने मेरी शक्ल में एक बहुत अच्छा जेम ढूंढ के निकाला है, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और बहुत ज़्यादा मेरे अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इससे बढ़ा है, क्योंकि मुझे बातें करना अच्छा लगता है और मुझे अच्छा लगता है कि अगर मुझे कोई सुने। तो इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता था मेरे लिए। मैं इसके लिए अपने ऑर्गेनाइजर्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं इतने लोगों के सामने अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी बात को रख सकूँ। मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं गाती, लेकिन मैंने जो अपनी पहली स्पीच दी थी उसका एंड जो है वो मैंने गाने के साथ किया था, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजर्स और ऑडियंस को वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मेरे ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा फरमाइश होती है कि अपनी स्पीच का एंड हमेशा जो है वो आप अनीबा गा के ही किया करें। तो अब जो है वो मैं ये लाजमी करती हूँ कि गाऊँ, जबकि मैं बिल्कुल भी अच्छी सिंगर नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि सब फरमाइश करते हैं तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मुझे अच्छा लगता है। अगर उनको अच्छा लग रहा है सुनना तो मैं क्यों ना करूँ। जो आपके सॉन्ग आप तो कह रहे, तो मैं अपनी स्पीच का एंड वो इस सॉन्ग के साथ करना चाहूंगा। सुबह आती है रात जाती है, सुबह आती है रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है रुकता नहीं, और पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। थैंक यू सो मच। अचीवमेंट चाहे छोटी हो या बड़ी, उन लोगों का शुक्रिया अदा करना हरगिज़ ना भूलें जो जेन्युइनली आपकी तरक्की की राह में आपका हाथ बटाते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की वजह बनते हैं। सो हेयर आर माई नेम्स। और एक बड़ा सा थैंक यू सपना पराग के लिए भी है, जो इस इवेंट की ऑर्गेनाइज़र और हेड भी हैं, जिन्होंने मुझ में बहुत ट्रस्ट दिखाया है और मुझे बार बार अपने स्टेज पे आने का मौका दिया है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।